कोरोना महामारी के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालयों पर धरना देकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के बड़े दाम वापस लेने की मांग की है। इसी के साथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर #SpeakUpOnPetroleum प्राइस हाइक अभियान भी चलाया। इसी अभियान के तहत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अपना बयान जारी किया है। एक तरफ कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना बेहद मुश्किल कर दिया है। आज देश की राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में तो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 80 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है। 25 मार्च के लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने पिछले 3 महीनों में 22 बार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। डीजल की कीमत 11 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 12 पैसा प्रति लीटर और बढ़ा दी। यही नहीं, पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर भी सालाना लाखों करोड़ इकट्ठे करने का इंतजाम कर दिया है। यह सब तब हो रहा है जब कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कम हो रहे हैं। मैं आप सभी को यह भी याद दिलाना चाहती हूं कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने जनता को कच्चे तेल की गिरती कीमतों का फायदा देने की बजाय पेट्रोल और डीजल पर 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, जिससे सरकार ने लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की।